जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। 14 मई छत्रपति संभाजी राजे भोसले इनका जयंती दिन। इनके 362वीं जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के धुले में लुम्बिनी परिसर समिति एवं मूल निवासी संघ धुले के संयुक्त तत्वावधान में छत्रपति संभाजी महाराज इनके जन्मोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जहां प्रमुख वक्ता के तौर पर साहित्यिक एवं विचारवंत मान्यवर एडवोकेट वैशाली डोलस और कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर भैया साहेब दस पवार इनकी प्रमुख मौजूदगी रही। आइए देखते हैं यह विशेष खबर। मंगलवार दिनांक 14 मई को महाराष्ट्र के धुले स्थित लुम्बिनी उद्यान परिसर में मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी संभाजी राजे इनका जन्मोत्सव समारोह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां प्रबोधन पर व्याख्यान का आयोजन मान्यवर भैया साहेब दस पवार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। साहित्यिक एवं विचारवंत मान्यवर एडवोकेट वैशाली डोलस, यह क्रांतिकारी योद्धा छत्रपति संभाजी इस व्याख्यान विषय की मुख्य वक्ता थी। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एवं राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी राजे की प्रतिमाओं पर पुष्पमाला चढ़ाकर साथ ही दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का पुष्प देकर स्वागत किया गया। इस दौरान मूल निवासी संगठक मराठी पाक्षिक के नए आविष्कार मूल निवासी संगठक मैगजीन का भी प्रकाशन किया गया। छत्रपति संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। संभाजी महाराज ने अपने कम समय के शासनकाल में 168 युद्ध किए, और इसमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। संभाजी राजे इनके जन्मोत्सव समारोह में प्रबोधन पर व्याख्यान में साहित्यिक एवं विचारवंत मान्यवर एडवोकेट वैशाली डोलस ने बेहद अप्रतिम ढंग से क्रांतिकारी योद्धा छत्रपति संभाजी इस विषय पर व्याख्यान दिया, जिसे श्रोता मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। सैनिकांना सहृदयतेने सांभाळणारा हा मराठ्यांचा युवराज मोठा तरबेज झालेला दिसून येतो। धुले के लुम्बिनी उद्यान परिसर में हुए मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी राजे इनके जन्मोत्सव समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में मूल निवासी संघ के अध्यक्ष धुले के मान्यवर दीपक जाधव, समिति अध्यक्ष अर्जुन राव गायकवाड़, महाराष्ट्र बामसिप की उपाध्यक्षा प्रणालीताई मराठे, समिति संयोजक प्राध्यापक वी के पवार, धुले की नगर सेविका सुशीला ईशी, मंगला पाटिल, योगिता बागुल, साथ ही रविन्द्र मोरे सहित अन्य कार्यकर्ता एवं सदस्यों की प्रमुख मौजूदगी रही। इस वक्त भारी संख्या में मूल निवासी बहुजनों ने सहभागिता दर्शाई, जिसे सफल बनाने के लिए लुम्बिनी परिसर समिति एवं मूल निवासी संघ धुले के सभी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम लिए।